हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद पायल। क्या आपको वो कहानी पता है जब एक गिलहरी ने श्री राम की मदद की थी? अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। चलो तो फिर आज की हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। माता सीता के अपहरण के बाद भगवान राम की वानरों की सेना ने तुरंत लंका तक एक पुल बनाने का काम शुरू किया जो समुद्र को पार करेगा और जंगल को लंका से जोड़ेगा। एक पुल बनाने के लिए पूरी सेना ने अलग अलग पत्थरों पर पानी में फेंकने से पहले भगवान श्री राम का नाम लिखा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के नाम पत्थरों पर खुदे होने के कारण वे समुद्र में डूबने के बजाय पानी में तैरने लगते हैं। जब वे यह सब देखते हैं तो बंदर बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से पुल बनाने के प्रयास में पानी में पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। भगवान राम की सेना जिस उत्साह और जुनून के साथ पुल के निर्माण के लिए आगे बढ़ रही थी उससे भगवान राम बेहद प्रसन्न थे। इसके अलावा उस समय एक गिलहरी भी वहां मौजूद थी और वह अपने मुंह से छोटी चट्टानों को खींचकर नदी में गिराती नजर आ रही थी। ऐसा बार बार करते हुए उसे एक बंदर देख रहा था। थोड़ी देर बाद बंदर गिलहरी को उसके छोटे रूप के लिए चिढ़ाता है। बंदर चिल्लाता है, अरे पानी से दूर रहो, तुम एक छोटी सी गिलहरी हो, आखिर तुम क्या चाहती हो? यह पत्थर तुम्हारे ऊपर गिरे और तुम मर जाओ? जब दूसरे बंदर यह सुनते हैं तो वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं और गिलहरी का भी मजाक उड़ाते हैं। यह सब सुनकर गिलहरी काफी उदास हो जाती है। यहाँ तक कि भगवान राम भी यह सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, भले ही वह दूर से ही क्यों ना हो। जैसे ही गिलहरी की नजर भगवान राम पर पड़ती है वह उनके पास दौड़ती है और सिसकने लगती है। नाराज गिलहरी श्री राम के पास सभी वानरों की शिकायत करती है। उसके बाद भगवान राम उठते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए छोटे पत्थर बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, आपके द्वारा फेंके गए सभी पत्थर हर जगह बिखर गए होते अगर गिलहरी ने इन कंकड़ों को नहीं डाला होता। गिलहरी ने जो पत्थर फेंके हैं, वही उन्हें एक साथ जोड़े रखे हैं। पुल के निर्माण में गिलहरी का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वानर सेना के सदस्यों का योगदान। यह सब कहने के बाद भगवान राम ने स्नेह दिखाने के लिए धीरे से गिलहरी को अपने हाथ से उठा लिया। उसके बाद श्री राम गिलहरी की मेहनत को स्वीकार करते हुए स्नेह से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरते हैं। जिस क्षण भगवान अपना हाथ हिलाते हैं उसकी छाप गिलहरी के नाजुक शरीर पर देखी जा सकती है। उस समय से लोग यह मानते हैं कि गिलहरी के फर पर जो सफेद रेखाएं पाई जाती है वे वास्तव में भगवान राम के उंगलियों के निशान है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।